अरे भाई, तू उसके लैंडलॉर्ड से बात तो कर, आई एम श्योर वो समझेगा। और अगर नहीं समझा तो कुछ ना कुछ करेंगे ना हम लोग। अरे हाँ भाई, तू फिक्र मत कर, अपना ध्यान रख। एक दोस्त का फोन था, उसका भाई थोड़ा रेंट को लेकर परेशान। उसकी सिचुएशन सुनकर अपना पुराना समय याद आ गया, साइन कोलियाड़ा का वो मकान जहाँ सालों तक अपने परिवार के साथ किराए पर रहा, पर उसे कभी घर इसलिए नहीं माना क्योंकि वो सिर्फ एक मकान था। और आज जब इस घर को देखता हूँ तो एक सुकून सा मिलता है, ये सोच के कि ये जो घर है ये अपना घर है, सब कुछ है इस घर, मेरा प्यार, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों का बचपन और माँ का आशीर्वाद, सब कुछ। यार मैंने ये देखा है कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, किस्मत जो है वो ऊपर नीचे होती है, अपने काम की बुलंदियां हो या फिर छोटी बड़ी खुशियां, एक घर ही है जो परिवार के अलावा हर पल साथ निभाता है, चाहे वो 2 बेडरूम हो, 1 बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, कुछ भी हो, वो ही हमेशा साथ निभाता है। आज जब पूरी दुनिया को ये कहा गया है कि सब अपने घरों में रहेंगे तो इस बात का एहसास और होता है कि मेरे अपने लिए, मेरे अपनों की सुरक्षा के लिए अपना घर कितना जरूरी होता है। आखिर अपना घर अपना ही होता है। अपना घर होने की खुशी अब साथ लाएगी देश की उन्नति। आओ मिलकर बनाएं अपना घर अपना देश।